ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो दोस्तों, आज टांडा में एक इमरजेंसी केस आया है, किसी बहन की डिलीवरी है। तो अभी अभी हमारे नगरोटा हेल्पिंग हैंड्स में एक मैसेज आया कि उस डिलीवरी केस में उनको ब्लड की जरूरत पड़ी है, ए पॉजिटिव ना। जी भाई। तो ये हमारे राहुल पठानिया उर्फ रोकी भाई, जो पिछली बार भी आपने देखा होगा, इन्होंने पहले भी लगातार हमारे साथ मिलकर ये रक्तदान वगैरह और भी अन्य सेवाओं में आगे रहते हैं। तो आज ये ब्लड डोनेट करने जा रहे हैं, तो साथ में मैं भी जा रहा हूँ इनके साथ। तो राहुल भाई, इससे पहले कितनी बार ब्लड दे चुके हैं, थोड़ा बताएं। मैं 23 बार पहले भाई ब्लड दे चुका हूँ। 23 बार? जी। 3 या 23 बार, 23। और अब ये 24वां बार है ना। 24 बार। तो ये 24वीं बार इनका ब्लड डोनेशन जा रहा है, ए पॉजिटिव है। ग्रोटा हेल्पिंग हैंड्स के एक कर्मठ सेवादार है। ब्लड डोनेशन हो गई, कोई भी किसी तरीके की कोई भी आर्थिक सहायता हो तो ये हमेशा आगे रहते हैं, और साथ में HRTC के में काम करते हैं वहाँ पर। और सलाम है HRTC को, क्योंकि आपको पता ही है कि अभी HRTC का कितना योगदान है हिमाचल में, यहाँ तक कि प्राणों की आहुतियाँ भी जा रही हैं। अभी जो पंडो में एक केस हुआ, वहाँ पर ड्राइवर ने बाकी 30-35 सवारियाँ बचा ली, लेकिन खुद की अपनी जान ले ली, आपने देखा होगा। तो HRTC डिपार्टमेंट को तो हम सलाम करते हैं, साथ में अपने रोकी भाई को सलाम है, जो ब्लड डोनेशन में हमेशा आगे रहते हैं। और जितने भी हमारे भाई बहन जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, ताकि हमारा हौसला अफजाई होता रहे और हम सेवा में हमेशा तत्पर रहें, आगे बढ़ते रहें, और आप भी हमेशा आगे रहें सेवा में। तो सबसे पहले ब्लड देने से पहले एक ओरिजिनल जूस यहाँ पर होना जरूरी है, तो जूस पीते हैं और चलते हैं टांडा की तरफ, और बहन के लिए जो कुछ बनता है, अगर एक ही यूनिट दे पाएंगे आज तो बाकी कोशिश करेंगे, बाकी यूनिट का भी कितनी उनको जरूरत पड़ती है। तो चलिए जूस पी के निकलते हैं सीधे टांडा की तरफ। दोस्तों, यहाँ पर हम टांडा में पहुँच चुके हैं, मैं और अपने डोनर रोकी पठानिया, राहुल पठानिया जी। तो रोकी पठानिया जी, कैसा लग रहा, मास्क नीचे करें थोड़ा सा, रक्तदान करते हुए 24वीं बार रक्तदान करते हुए कैसा महसूस हो रहा है और क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? बहुत ज़्यादा बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया महसूस हो रहा है। मैं सभी भाइयों से यही निवेदन करूँगा कि रक्तदान जितनी बार कर सकते हो उससे ज़्यादा बार रक्तदान करवाएं, क्योंकि यहाँ पे टांडा में बहुत सारे मरीज ऐसे होते हैं उनको रक्तदान समय पर नहीं मिलता और उनकी जान पर बनाती है, तो कृपया करके रक्तदान जरूर करवाएँ। ठीक है भाई, थैंक यू। तो दोस्तों, इस तरीके से रक्तदान में बढ़ चढ़ कर भाग लें। 3 आ गए, पुष्पा देवी बोला ना। ठीक है। तो थोड़ा बता दे, नगरोटा हेल्पिंग हैंड से हम आए हैं डोनेट करने के लिए। अच्छा, नगरोटा है? नगरोटा हेल्पिंग हैंड। अच्छा, ठीक है, हो गया ना आपका? हाँ जी, मुझे फोन तो करती है। ठीक है। तीन ना। अभी एक यूनिट दिए ना, बाकी भी हो जाएगा। अच्छा, तो दोस्तों ये था, ये पुष्पा देवी, ये वाला फॉर्म है। तो आपके क्या लगते हैं? सासुमा हैं आपके? कहाँ से आए हैं आप? रहन से आए हैं। अच्छा, रहन से आए हैं। तो इस तरीके से नगरोटा सेवियर्स और नगरोटा हेल्पिंग हैंड्स की सेवाएं लगातार टांडा में रहती हैं,
जो भी आते हैं तो हम पूरी कोशिश करते हैं, तो आप भी कोशिश करें कि जो भी डोनेशन वगैरह जिसकी भी हो जरूर करें, क्योंकि टांडा में आपको पता है कहाँ कहाँ से लोग यहाँ पर आते हैं, तो जरूर ब्लड डोनेशन करें। और आप भी बोल दें डोनेशन करने के लिए, डोनेशन जरूर करें, आपकी बड़ी मेहरबानी। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। तो दोस्तों यहाँ पर एक और बहुत बढ़िया मैसेज आपको यहाँ पर हमारे अशोक कुमार जी देंगे, जिनकी ड्यूटी यहाँ पर लगी है। तो ब्लड डोनेशन के लिए थोड़ा सा आप बताएं कि आपकी ड्यूटी यहाँ पर होती है तो कितने दिन के लोग यहाँ पर आते हैं डोनेशन के लिए, मतलब ब्लड की रिक्वायरमेंट के लिए? ब्लड देने के लिए 15 से 20 आदमी आ जाते हैं। अच्छा, और अपना ब्लड दे करके चले जाते हैं। अच्छा अच्छा, और ब्लड देना एकदम लाभदायक है, कोई नुकसान नहीं होता है उससे शरीर के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा, और ब्लड देना अपना परम कर्तव्य है। जी 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 जी, ताकि किसी मरीज की जान बच जाए आपके ब्लड देने के बावजूद। अच्छा 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 अच्छा, और ब्लड देना अपना, ब्लड देने से अपना शरीर स्वस्थ रहता है, कोई नॉर्मल प्रॉब्लम हो जो तो ब्लड दान करने से जी जी वो साफ हो जाती है। तो मतलब ब्लड देने से फायदे ही फायदे हैं, फायदे ही फायदे हैं, एकदम से दान भी हो जाता है, किसी की जान भी बच जाती है और अपने भी शरीर की फिटनेस रहती है। ठीक है अशोक जी, थैंक यू, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।